हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में यूनिट 10 वन एंड मेन। यूनिट 10 वन एंड मेन। लास्ट में हमने यूनिट 9 किया था, मंथ्स ऑफ द ईयर जनवरी फरवरी वाला, वो आप अच्छे से लर्न कर लेना। संडे मंडे डेज के नेम और मंथ्स के नेम। आज हम शुरू करेंगे यूनिट 10। देखो उसमें क्या लिखा है, वन एंड मेन। वन यानी क्या होता है, एक। वन यानी एक, एंड मेनी, मेनी यानी ज्यादा, एक से ज्यादा हो, टू हो, थ्री हो, फोर हो, कितने भी हो, तो ज्यादा होते हैं तब क्या आता है, मेनी। जैसे कि मेरे पास एक पेन है तो वन, और एक से ज्यादा पेन है वो, जैसे कि फोर पेन है तो क्या आएगा, मेनी, राइट। फिर सम वर्ड्स नेम ओनली पर्सन प्लेस एनिमल्स एनिमल और थिंग। यहाँ पे क्या लिखा है, सम वर्ड्स नेम मेनी पर्सन प्लेसेस एनिमल्स और थिंग, यानी कोई बात, सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स ऐसे है कि ओनली, ओनली यानी एक ही हो, एक ही पर्सन की बात की हो, या तो फिर वन ही प्लेस हो, वन ही एनिमल हो, और वन ही थिंग, थिंग यानी वस्तु हो, तो वन, और एक से ज्यादा हो, सम वर्ड्स नेम मेनी, यानी एक से ज्यादा भी होती है तो पर्सन्स, देखो पीछे एस लग गया, एक से ज्यादा थे तो प्लेसेस एनिमल्स और थिंग्स। यहाँ पर इसके कुछ एग्जांपल दिए हैं, ये वाला आपकी बुक में है, आपको बुक में अच्छे से ध्यान से देखते जाना है। वन मेन, तो वन बॉय, क्या लिखा है, बी ओ वाई, बॉय, बॉय यानी लड़का, वन यानी एक, एक लड़का है, एक लड़का खड़ा है, और मेनी, मेनी यानी ज्यादा, फिर टू भी हो सकते हैं, थ्री फोर फाइव सिक्स, कितने भी हो तो मेनी ही आएगा, यानी एक से ज्यादा लड़के हैं, तो क्या हो जाएगा बॉय का, बी ओ वाई एस, पीछे क्या लगेगा, एस। आपको जब ऐसा है, एक से यहाँ पर वन में सिर्फ बॉय लिखा है और मेनी में क्या आ गया, बॉयज, एक से ज्यादा है इसीलिए हमने एस लगाया है। जैसे कि मेरे पास चॉकलेट है, वन चॉकलेट है तो चॉकलेट बोलूंगी मैं, फिर एक से ज्यादा चॉकलेट है मेरे पास तो मैं चॉकलेट्स बोलूंगी, आया समझ में। फिर बर्ड यानी पंछी, वन बर्ड है तो बर्ड, और एक से ज्यादा बर्ड है तो बर्ड्स, पीछे क्या आ जाएगा, एस। ये स्पेलिंग तो वो बी आई आर डी बर्ड है, वो ही यहाँ पर लिखना है और बी पीछे एस लगाना है। वैसे यहाँ पर टाम, टाम सो, पीछे एस लगाया। फ्लावर, फ्लावर सो, ऐसे बहुत ही इजी है। वन में कोई वस्तु एक ही होती है और मेनी में एक से ज्यादा होती है, जब मेनी होता है तो पीछे हम एस लगाते हैं, आया समझ में। देखो एक्सरसाइज, ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक, ये वाली ग्रामर की बुक निकालो, उसमें पेज नंबर 1515 निकालो। निकाला सबने, यस, ये जो ऊपर का था वो अभी हमने किया। फिर नीचे एक्सरसाइज, राइट वर्ड्स इन द ब्लैंक्स टू सो मेनी जस्ट एट एस टू द गिवन वर्ड्स, यानी यहाँ पर आपको मेनी वाले वर्ड्स लिखने हैं और पीछे से क्या लगाना है, एस लिखा है, जस्ट एट एस टू द गिवन वर्ड्स। स्पेलिंग जो है वो का वो स्पेलिंग लिख कर पीछे एस लगाना है, अच्छे से आपको याद रखना है। तो चलो चलो हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आपको ध्यान से देखना है और फिर लिखना है, ओके, आया समझ में।
नंबर वन में लिखा है बुक BOOK बुक। यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिखाया हुआ है, यहाँ पर वन बुक है और यहाँ पर वन से ज्यादा यानी बहुत सारी बुक है, वन टू थ्री है, यानी कितनी भी हो, टू हो, थ्री हो, फोर हो, सिक्स हो, कितनी भी हो, तो यहाँ पर बुक तो अभी मेनी है तो हम पीछे क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। तो पहले ये बुक का स्पेलिंग है ना, वो तो आपको लिखना ही है BOOK और पीछे क्या लगाना है, S, बुकशॉप, ऐसे आया समझ में, राइट। फिर नंबर टू क्या लिखा है, स्टार, STAR, जब वन होता है तब एज ए स्टार और वन से ज्यादा यानी मेनी स्टार, मेनी स्टार्स है तो हम पीछे क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे, STARS, स्टार्स, ऐसे। नंबर थ्री क्या लिखा है, ट्री, ट्री यानी पेड़, TREE, तो ट्री के ट्री को हम ट्री, एक से ज्यादा ट्री है यानी देखो मेनी है, ये वन ये मेनी, ये वन ये मेनी, तो मेनी में क्या आएगा, ट्रीस, TREES, पीछे एस लगाना है। अभी आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब एक से ज्यादा हो तो वर्ड्स के पीछे यानी स्पेलिंग के पीछे हम एस लगाते हैं, मेनी हो तो। फिर है डॉग यानी कुत्ता, यानी इसमें कुछ भी बात आ सकती है, कोई थिंग्स यानी वस्तु होती है, प्लेसेस यानी जगह की बात भी कर सकते हैं, पर्सन यानी लोग, फिर एनिमल्स, बर्ड्स, कुछ भी, डॉग, तो उसको मेनी में हम क्या लिखेंगे, DOGS, डॉग्स। फिर नेक्स्ट नंबर फाइव क्या लिखा है, एग, अंडा, तो एक से ज्यादा अंडे हो, देखो मेनी अंडे हो तो हम क्या लिखेंगे, एग्स, EGGS, पीछे क्या लगा दिया हमने, एस लगा दिया, बहुत ही इजी है। पेन, वन पेन है तो पेन, मेनी है यानी ज्यादा पेन है तो क्या हो जाएगा, PENS, पेंस। नंबर सेवन रिंग, RING, रिंग, वन रिंग है, यहाँ पर मेनी रिंग है तो रिंग्स, RINGS, रिंग्स। और लास्ट नंबर एट बल्ब, BULB, बल्ब, और मेनी बल्ब हो, एक से ज्यादा बल्ब हो तो क्या हम अलग अलग लिखेंगे, बल्ब्स, पीछे एस, BULBS, आया समझ में सबको, राइट। यहाँ पर हमारा ग्रामर में यूनिट 10 कंप्लीट होता है, बस इतना ही समझना था आपको कि जब कोई वस्तु, कोई थिंग्स हो, पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल्स, बर्ड्स, कुछ भी हो, जब एक होता है तब वन और एक से ज्यादा होते हैं तो मेनी, वन में सिर्फ उसका स्पेलिंग जैसे कि BOY, और एक से ज्यादा हो तो मेनी हो तो हम पीछे क्या लिखते हैं, एस, वर्ड के पीछे एस, ये पूरा स्पेलिंग पहले लिख देना है और उसके पीछे एस लगाना है, आ गया।
तो यहाँ पर आपको होमवर्क में आज ग्रामर की बुक में यूनिट 10 पेज नंबर 1550 उसकी एक्सरसाइज फिलअप करनी है एंड लर्न भी करना है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।